बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं हुराज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार डीलेड इंट्रेंस एग्जाम 2024 एडमिट कार्ड जो है कि वह जारी कर दिया जा चुका है, लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जिसके पास एप्लीकेशन आईडी समझ में नहीं आ रहा कि सर एप्लीकेशन आईडी कहाँ है, कैसे निकाले, या आप में से मैंने बहुत सारे मैसेज देखे वीडियो के कॉमेंट्स में कि सर मेरे पास मोबाइल पर मैसेज नहीं आया है, तो मैसेज नहीं आया है तो फिर हम डाउनलोड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कुछ के कमेंट्स से भी थे कि सर बिना आईडी के जो है कि वह एडमिट कार्ड हम डाउनलोड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखिए एप्लीकेशन आईडी लगभग 4-5 जगह आपको जो है कि मिला होगा, 4-5 तरीका है जिससे आप अपना एप्लीकेशन आईडी निकाल सकते हैं। देखिए पहला तरीका तो यह है कि जब आपने डीलेड के लिए फॉर्म भरा था तो प्रिंट करवा करके आपको मिला था ऐसा रिसीविंग तो आपको मिला ही होगा, ऐसा रिसीविंग मिला होगा। तो तमाम स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए जो आवेदन संख्या है, यह आवेदन संख्या एप्लीकेशन नंबर यही है एप्लीकेशन आईडी। मैं इसका आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये जो आवेदन संख्या है इसका जो है कि ये डमी एडमिट कार्ड है, तो ये डमी एडमिट कार्ड पर भी ये आवेदन संख्या है। उसके बाद से डमी एडमिट कार्ड से पहले जब ऑनलाइन आवेदन किए थे आप लोग, खुद से किए थे या साइबर कैफे से जा करके करवाए थे, तो वहां पर रिसीविंग आपको दिया होगा ना निकाल करके, ऐसे ही दिया होगा निकाल करके, जिसमें सारा डिटेल्स रहा होगा और आपका पूरा फुल एड्रेस भी रहा होगा। तो वहां पर भी जो रिसीविंग मिला था, देखिएगा ये एप्लीकेशन नंबर, ये जो है आवेदन संख्या, यही है एप्लीकेशन आईडी। एप्लीकेशन आईडी एक तो यहां से हो गया। उसके बाद से तमाम स्टूडेंट ऐसा मैसेज आपको आया होगा जिसमें एप्लीकेशन आईडी कहा जा रहा है। एप्लीकेशन आईडी यहीं पर है, बस वही वाला है, यही वाला जो है ना वहां पर है, यहां पर। तो एप्लीकेशन नंबर हिंदी में हम कहें तो आवेदन संख्या, या अपने यूजर आईडी में एप्लीकेशन आईडी, वही यूजर आईडी या एप्लीकेशन आईडी दोनों बात बराबर है। तमाम स्टूडेंट यहां से भी आपको मिल जाएगा। या एक बात और याद करिए, जब डीएलएड में आवेदन के लिए जब फॉर्म भरा जाता है ना, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन जब होता है तो रजिस्ट्रेशन के समय ही जब फर्स्ट टाइम फॉर्म भरे थे तो उस वक्त एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी दिया जाता है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मांगता है। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होता है उस मोबाइल नंबर पर एप्लीकेशन नंबर चला जाता है और पासवर्ड भी चला जाता है। तो देखिए मोबाइल पर जो फर्स्ट टाइम जो सबसे पहले जो है कि आया होगा आपका एप्लीकेशन, जो आपने जब रजिस्टर्ड किया था फॉर्म भरने के लिए, तो आपके मोबाइल पर मैसेज एक तो अभी हाल फिलहाल में आया होगा, तो कौन वाला आया होगा, ये वाला आया होगा, ये वाला। लेकिन सबसे पहले जिस दिन आप फॉर्म भरे थे उस दिन भी एक मैसेज गया होगा बिहार बोर्ड के तरफ से, जिस पर ये एप्लीकेशन नंबर आपको मिला होगा, या उस दिन आपने एक ईमेल आईडी भी डाला था। तो अपना ईमेल जो दिए थे फॉर्म भरने में, उस ईमेल को खोल करके देखिए, उस ईमेल पर भी जो है कि आपको एक एप्लीकेशन नंबर जो है कि मिला होगा, वही आवेदन संख्या वही होगा। तमाम स्टूडेंट उसके बाद से ये जो आपके सवाल थे कि सर जो है कि अच्छा मोबाइल पर मैसेज नहीं आया है तो क्या करें, तो कोई टेंशन नहीं है, ये वाला रिसीविंग आपके पास है ना, ऐसा तो है ना। डमी एडमिट कार्ड मैंने आपको डाउनलोड करना सिखाया था, तो डमी एडमिट कार्ड पर ये एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है ना, बस एप्लीकेशन नंबर ये आपका आईडी हो जाएगा। उसके बाद से तमाम स्टूडेंट और डेट ऑफ बर्थ आपको डाल करके डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड। तो डेट ऑफ बर्थ आपको याद होगा, मैट्रिक के रहता है सर्टिफिकेट पर, चाहे आधार कार्ड पर, ऐसे तो डेट ऑफ बर्थ खैर सबको अपना अपना याद रहता है। तो मैसेज जरूरी नहीं है। मैसेज में क्या दिया था कि डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप लोग और अपना एप्लीकेशन आईडी एप्लीकेशन नंबर डाल करके आप डाउनलोड कर सकते हैं डीएलएड का एडमिट कार्ड। तो मैसेज आए चाहे ना आए कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जो एप्लीकेशन आईडी है जिसे हम एप्लीकेशन नंबर कहेंगे वो यहाँ पर है, यहाँ से हम देख लेंगे। उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है, हम यहाँ से देख लेंगे और डाउनलोड कर लेंगे तमाम स्टूडेंट। और एक सवाल यह आता है मन में कि सर बिना एप्लीकेशन आईडी के हम लोग जो है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं, तो बिना एप्लीकेशन आईडी के, बिना आईडी के आप लोग डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ जो है कि इसमें एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके जो है कि और ये कैप्चा डाल करके आप लोगों को जो है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। यदि आप लोगों ने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो इस वेबसाइट पर आकर के तमाम स्टूडेंट स्टूडेंट.in पर आप देख पा रहे हैं, इस पोस्ट पर आकर के यहाँ से देखिए 2 लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। लिंक 1 से डाउनलोड हो तो लिंक 1 से कीजिए, लिंक 2 से डाउनलोड हो तो लिंक 2 से कीजिए। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तमाम स्टूडेंट। अच्छा, फॉरगेट करने का एप्लीकेशन आईडी जो है कोई उपाय है? तो उपाय तो है, लेकिन यह है deleteBihar.com पर इसका उपाय है, लेकिन deleteBihar.com अभी तक के ओपन नहीं हो रहा है। तकनीकी खराबी कहा गया है कि यह वेबसाइट 27 तारीख से ओपन हो पाएगा। तो जिसका एप्लीकेशन आईडी देखिए 3-4 जगह से आप ले सकते हैं। एक तो पहला मरतबा आपको मैसेज किया होगा, उसमें होगा रिसीविंग पर होगा एप्लीकेशन आईडी, आवेदन संख्या वही एप्लीकेशन नंबर, या अभी मैसेज भेजा गया उस पर होगा, डमी एडमिट कार्ड है उस पर होगा, ईमेल पर होगा। कहीं ना कहीं इतना सारा जगह तो है, कहीं से भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उतना करने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है तो फिर 27 तक इंतजार करना होगा, क्योंकि इसी वेबसाइट पर deleteBihar.com पर ही एक ऑप्शन मिलेगा जो कि आप फॉरगेट कर सकते हैं। यहां पर जो कि वह फॉरगेट करने का कोई उपाय नहीं दिया गया है। तमाम स्टूडेंट, तो इस वीडियो में बताना यह था कि आप तमाम स्टूडेंट एप्लीकेशन आईडी कहां से कैसे निकाल सकते हैं, और मैसेज नहीं भी आया है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा। 4-5 जगह से मैंने आपको बताया निकालने के लिए, वहां से मिल जाएगा तो आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी एडमिट कार्ड डाउनलोड किस तरीके से करना है वो चैनल पर वीडियो बना हुआ है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि एडमिट कार्ड किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 2-2 लिंक से, दोनों में से किसी एक से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, आप लोग आराम से देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो देखने के लिए।